ये बोला भूल कि जा रहा है दोस्तों, इसको पूछ रहा हूँ तो। हम लोगों को पता नहीं है दोस्तों कब मतलब नवा साल मनाए थे, और पानी वाने पिए हैं दोस्तों, फिर भी मतलब क्या ही बताएं, बहुत ही बुरा हाल हो रहा है दोस्तों। नवा साल का तो पता नहीं दोस्तों, पैसा वैसा तो मतलब हम लोग कहाँ पर हैं दोस्तों, आप लोगों को बता देना है दोस्तों। मतलब बहुत लोग कमेंट करते हो कि मतलब आप लोग बताते नहीं हो कहाँ पर रहते हो, क्या कर मतलब जगह का नाम नहीं बताते हो, ऐसे काफ़ी लोग कमेंट करते हो दोस्तों। तो इसीलिए आप लोग आज बता रहे हैं दोस्तों हम लोग कहाँ पर हैं अभी, और पहले कहाँ थे, और हमारा गांव कहाँ है अभी हम लोग बताने वाले हैं कि नहीं। तो दोस्तों हम लोग अभी हैं, हेलो दोस्तों, हमारी भगत दुर्गा ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और दोस्तों अभी बज रहा है सुबह का 10:30 बज गया है दोस्तों, और अभी तक सूर्य मतलब निकला नहीं है। इधर स्मिता हाय बोलो, गन्ना खा रहा है सुबह सुबह दोस्तों, और सर्दी पकड़ा है फिर भी इसको पकड़ा नहीं है। गन्ना कैसा लग रहा है, गन्ना बोलो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है बोल दो, हाँ बोल दो। और दोस्तों अभी मैं लकड़ी फाड़ रहा था दोस्तों, देख सकते हैं पीछे इतना सारा लकड़ी फाड़ा हुआ हूँ, और थोड़ा बच्चा है लकड़ी फाड़ने के लिए। और हमारे दोनों बेबी क्या कर रहे हैं दोस्तों, इधर घास छिल रहे हैं हमारे छोटे बेबी और उधर बड़ा बेबी, तो दो लोग घास छिल रहे हैं और मैं लकड़ी फाड़ रहा हूँ दोस्तों। मतलब थोड़ा सा बच्चा है, उसके बाद फिर लकड़ी फाड़ कर फिर काम पर लगना है, घास वास पूरा छीलना है दोस्तों, अभी बहुत बाकी है घास छीनने के लिए। और दोस्तों काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि दोस्तों मतलब आप लोग कहाँ पर हो, आप लोग डिटेल नहीं बताते हो, ऐसे मतलब काफ़ी सारे कमेंट आते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग बताने वाले हैं मतलब हम लोग कहाँ पर हैं, अब पूरा जगह को बताएंगे दोस्तों, मतलब गांव कौन सा है और जिला कौन सा है, पूरा डिटेल में बताएंगे दोस्तों। तो आइए फिर हाँ लकड़ी फाड़ लेते हैं दोस्तों, लकड़ी वकड़ी फाड़ कर आ गए हैं दोस्तों घास छीनने के लिए। और दोस्तों काफ़ी सारा बचा है दोस्तों घास छीनने के लिए। और दोस्तों आज नया साल है फिर भी हम लोग मतलब काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि नहीं हाँ। और पता नहीं दोस्तों यहाँ का मालिक मतलब पैसा वैसा देगा कि नहीं देगा, मतलब पता नहीं है। और जितने भी हमारे मतलब और लेबर हैं दोस्तों, उन लोग बोल रहे थे कि मतलब पैसा मतलब पैसा के लिए बोलेंगे सरदार को फ़ोन करके, इससे मतलब बोल रहे थे, और पता नहीं मतलब बोलेंगे कि नहीं, तो आगे पता चलेगा है कि नहीं हाँ। और दोस्तों हम लोग कितने साल से मतलब नवा साल नहीं मनाए हैं, हम लोग को पता नहीं है कि नहीं है कि नहीं, हम लोगों को पता नहीं है दोस्तों कब मतलब नवा साल मनाए थे। और मतलब अगले साल मतलब दिया था पैसा जो दूसरे भट्टे में थे हम लोग, है कि नहीं हाँ। 300 दिया था दोस्तों, लेकिन नया साल नहीं मनाए, लेकिन अब की बार भी नहीं मना पाएंगे ऐसा लग रहा है दोस्तों, है कि नहीं हाँ। और हमारे किस्मत ही ख़राब है, मतलब नया साल कब मनाएंगे हम लोगों को खुद पता नहीं है कि नहीं हाँ। अगर पैसा देगा दोस्तों यहाँ का मालिक, तो हम लोग पक्का नया साल मनाएंगे ज़रूर, और देखते हैं आगे क्या होता है, पैसा देता है या नहीं, तो है कि नहीं हाँ। और अभी तो फिलहाल काम कर रहे हैं दोस्तों, इतना सारा मतलब देख सकते हैं इन लोग मतलब छिले हैं हमारे बड़े भी घास, और इधर सभी बच्चे लोग देख रहे हैं ये भी मतलब छीलने के लिए तैयार है, फड़वा वड़वा पकड़े हुआ है। और उधर है हमारे छोटा बीबी, तो अभी इसको मतलब पूरा घास को मतलब छीलना है दोस्तों, पूरा साफ करना है, तो बहुत ही मेहनत लगता है कि नहीं हाँ। मतलब घास वास पूरा छीलना है, साफ वाफ करना है, मतलब बहुत मेहनत करेंगे तब जाके यहाँ पर ईंट बनाएंगे, है कि नहीं हाँ। तो ले चलो दोस्तों अभी साफ वाफ करते हैं, देखते हैं कब तक पैसा देता है और नहीं देता है कि नहीं हाँ। आगे पता चलेगा। दोस्तों 1 बज गया है दोस्तों, और धूप मतलब अच्छा से निकल आया है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है दोस्तों। और सुबह सुबह तो मतलब धूप देखने को नहीं मिलता है कि नहीं हाँ। और मतलब अभी कल भी मतलब यही टाइम में सूर्योदय हुआ था, और अभी भी अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। और इतना सारा मतलब इधर को पूरा साफ कर दिया है दोस्तों घास वास को, देख सकते हैं मतलब अभी काफ़ी अच्छा दिख रहा है दोस्तों। और इधर वाला बच्चा है देख सकते हैं, मतलब इधर से इधर तक बचा है, और उधर का भी मतलब साफ हो गया है देख सकते हैं, मतलब घास वास को मतलब साफ कर दिया है हमारे छोटा बीबी उधर है, और इधर वाला खाली बचा है कि नहीं हाँ। और हम लोग दोस्तों वहाँ से मतलब जहाँ छीले हैं देख सकते हैं, वहाँ से
वहाँ से मतलब वहाँ तक पूरा हम लोग ईंट बनाएंगे, है कि नहीं? इतना जगह हो जाएगा? हाँ। तो इतना जगह हो जाएगा दोस्तों हम लोगों को मतलब ईंट बनाने में, है कि नहीं? हाँ। और मतलब ठंडा दिन में मतलब ईंट भी नहीं सूखता है कि नहीं? हाँ। बड़ा मतलब जगह रहेगा तो मतलब काफ़ी अच्छा होगा दोस्तों, क्योंकि ठंड में मतलब धूप तो निकलेगा नहीं तो सूखेगा नहीं, है कि नहीं? हाँ। तो इसलिए हम लोग बड़ा पकड़ रहे हैं, और जब गर्मी दिन आ जाएगा तो मतलब इतना बड़ा हमें बनाना भी नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? छोटा जगह हम भी हो जाएगा दोस्तों, इतना सारा बचा हुआ दोस्तों, तो इसको मतलब अभी छीलेंगे। और नवा साल का तो पता नहीं दोस्तों, पैसा वैसा तो मतलब देगा कि नहीं तो अभी तक पता नहीं चला है कि नहीं। हाँ। और पता नहीं देगा कि नहीं, तो अभी एक तो बच गया है फिर भी पता नहीं चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो अभी तो फिर हाला घास वास छीलते हैं दोस्तों। फाइनली हमारा मतलब फाड़ क्लीन हो गया है दोस्तों, मतलब घास वास पूरा छील लिए हैं दोस्तों, देख सकते हैं इधर वाला मतलब पूरा छील लिए है, इधर थोड़ा बचा हुआ है दोस्तों, इसको मतलब कल सुबह मतलब छीलेंगे, और इधर का भी मतलब पूरा मतलब छील लिए हैं दोस्तों, देख सकते हैं मतलब काफ़ी अभी बढ़िया दिख रहा है दोस्तों, मतलब बहुत ही बढ़िया। बस यही बचा हुआ है, इसको कल सुबह करेंगे। और अभी फिलहाल तो दोस्तों मतलब घर जाते हैं दोस्तों, हम लोग किचन रूम पर आ गए दोस्तों और खाना खाने के लिए। तो अभी क्या कर रहे हैं हमारे बड़े भी पता नहीं क्या कर रहे हैं, चावल को फ्राई करेंगे मतलब भूंजोगे? हाँ। तो दोस्तों मतलब चावल ठंडा हो गया है, ठंडा हो गया भात। तो दोस्तों मतलब चावल मतलब काफी ठंडा हो गया है, और इसीलिए मतलब उसको मतलब भूंजोगे ना? हाँ। कढ़ाई मार गया है दोस्तों चूल्हा पर, अभी गर्म होने देते हैं, उसके बाद फिर तेल डालेंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है दोस्तों, अभी तेल डाल रहा है, क्या हुआ? तो अभी तेल डाल रहा है दोस्तों, अभी बनेगा हमारा भुंजी भात, है कि नहीं? हाँ। और अच्छा भी लगेगा, है कि नहीं? काफी दिन के बाद मतलब भुंजी भात खाएंगे, है कि नहीं? हाँ। दोस्तों हमारा भात मतलब भुंजा गया है दोस्तों, फाइनली हमारा भुंजे भात काफी अच्छा दिख रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। और इधर बच्चे लोगों को देकर इतना सारा बचा है दोस्तों, और हमारे दोनों बीवी मतलब नहीं खाएंगे दोस्तों, क्योंकि मतलब भुंजे बाद मतलब ख़त्म हो गया, बच्चे को दिया और मेरे को दिया, बस इतना सारा बचा है दोस्तों, देख सकते हैं। तो अभी खा लेते हैं दोस्तों भुंजे भात, और काफ़ी भूख भी लग रहा है दोस्तों। दोस्तों भुंजा भात खा लिए दोस्तों, और काफ़ी मतलब तीखा कर दिया था दोस्तों, मतलब काफ़ी तीखा लग रहा है दोस्तों, पानी वानी पिए हैं दोस्तों, फिर भी मतलब क्या ही बताएं, बहुत ही बुरा हाल हो रहा है दोस्तों, मतलब बहुत ही कच्चा मिर्च डाल दिया था। और हमारे दोनों भी तो मतलब नहीं खाए हैं, इन लोग खाते तो मतलब पता चलता। और इधर है हमारे छोटा बीबी, खाना ना बनाओगे क्या? अभी नहीं बनाएंगे। तो खाना नहीं खाए है तो शाम को बनाएंगे, शाम को? हाँ। तो इन लोग खाना नहीं खाए हैं दोस्तों, मतलब खाना कम पड़ गया तो अभी नहीं बनाएंगे बोल रहे हैं दोस्तों। शाम के 4:30 बज गए दोस्तों, और हमारे नवा साल का कोई पता नहीं है दोस्तों, क्योंकि मतलब पैसा वैसा कुछ भी नहीं दे रहा है, और मतलब 4:30 भी हो गए और काफ़ी शाम भी हो गए दोस्तों। तो हमारे बड़ा बीवी ने बोला कि मतलब मैं पैसा दे रहा हूँ, जाओ लेकर आओ, चिकन उकन खाएंगे यार, नवा साल मनाएंगे, ऐसा मतलब बोल रहा है, देख रही? हाँ। देखो पैसा दे, तो अभी पैसा दे रहा है दोस्तों, उसके बाद फिर जाएंगे अभी मार्केट, चिकन उकन लाएंगे दोस्तों कुछ खाने वाने का। और दोस्तों हम लोग कहाँ पर हैं दोस्तों, आप लोगों को बता देना है दोस्तों, मतलब बहुत लोग कमेंट करते हो कि मतलब आप लोग बताते नहीं हो कहाँ पर रहते हो, क्या कर मतलब जगह का नाम नहीं बताते हो, ऐसे काफ़ी लोग कमेंट करते हो दोस्तों, तो इसीलिए आप लोग आज बता रहे हैं दोस्तों हम लोग कहाँ पर हैं अभी, और पहले कहाँ थे, और हमारा गाँव कहाँ है अभी हम लोग बताने वाले हैं कि नहीं। तो दोस्तों हम लोग अभी हैं अयोध्या, मतलब अयोध्या हम लोग बोलते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, अयोध्या, अयोध्या ना, तो हाँ अयोध्या से मतलब 6-7 किलोमीटर है दोस्तों। क्या क्या गांव? बीबीपुर। बीबीपुर, और इधर कौन सा गांव है? करनपुर। करनपुर भूल जा रहा है दोस्तों, इसको पूछ रहा था, मतलब इधर बीबीपुर है दोस्तों इधर, और इधर करनपुर है, मतलब वही सामने में मतलब ये भट्टा है दोस्तों, तो वहीं पर हम लोग हैं, है कि नहीं? हाँ। तो आप लोग जान लिए दोस्तों, अयोध्या से 6-7 किलोमीटर बीबीपुर और करनपुर के सामने में ही है हमारा भट्टा, वहीं पर हम लोग हैं। और हम लोग उड़ीसा में थे, तो मतलब उस जगह का नाम भी बता दे रहा हूँ दोस्तों, हमारे ससुर का मतलब इसके मम्मी पापा के गाँव नुआपाड़ा जिला, और मतलब गाँव का नाम है बमनी।
है कि नहीं? हाँ, तो वहाँ पर हम लोग थे दोस्तों, और हमारे गांव तो मतलब नुआपाड़ा से स्टेशन के सामने ही है, और आप लोग पता कर लेना कौन सा गांव है कि नहीं। तो ले चलो दोस्तों। और दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों मार्केट चिकन लाने के लिए दोस्तों, और उसका ब्लॉग हम लोग बना नहीं पाएंगे क्योंकि दोस्तों हमारे घर में अभी लाइट नहीं लगा है, है कि नहीं? हाँ। लाइट वाइट नहीं लगा है दोस्तों, लाइट वाइट लगता है तो मतलब उसका भी आप ब्लॉग आप लोगों को बना कर दिखाते दोस्तों, लेकिन दिखा नहीं पाएंगे। आप लोग कमेंट करना मतलब आप लोग नया साल मनाएं कि नहीं, है कि नहीं? हाँ। आप लोग कमेंट करके बताना। हम लोग तो मतलब मनाएंगे लेकिन अभी रात में मनाएंगे दोस्तों, और आप लोग कैसे कैसे नया साल मनाएं आप लोग कमेंट करके बताना। वीडियो को यही एंड करते हैं दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।